हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को मैं बांग्ला और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में कवर करूंगा ताकि बांग्लादेश हो या इंडिया, पाकिस्तान, किसी भी मुल्कों के लोग इस वीडियो को समझ सके। इस वीडियो में जिस बस को आप देख रहे हैं, यह है पाकिस्तान का बना हुआ न्यू शानदार कंपनी का बुलेट बस, और मेरे ख्याल से इस बस का रेप्लिका इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही देश में वायरल होने वाला है। এই ভিডিওটিতে আমি তুলে ধরব পাকিস্তানে তৈরি হয়ে ওঠা একটি বুলেট বাস। পাকিস্তানের লাহোরে গড়ে ওঠা এই তিনটি বাস অবাক করেছে অনেকেই, আর এজন্য এই বাসের খুঁটিনাটি সব ইনফরমেশন আমি শেয়ার করব এই ভিডিওটিতে। ইস বাস কি বডি বানায় হ্যায় লাহোর কি এক ওয়ার্কশপ নে। অভি তক সিফ তিন হি ইউনিট বাস তৈয়ার কিয়ে হ্যায় ইস ওয়ার্কশপ নে, জিসমে এক রেড ওয়ালা জো ভিডিও পে দিখা রাহা হু, এক হোয়াইট অর এক ব্লু কালার। सो गाइस, पहले ही हम देख लेते हैं इस बस के इंटीरियर पार्ट। यह एक 25 सीटर बस है। यहाँ पर 1x1x1 फॉर्मेशन में पहले सात रो में 21 सीट है और लास्ट रो में एक साथ चार सीट है। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, इस बस के इंटीरियर पार्ट बहुत ही शानदार है, और खास करके इंटीरियर की लाइटिंग पार्ट ही बयां कर रहा है कि यह बस कितना एरिस्टोक्रेसस होगा। এটি 25 সিটের একটি লাক্সারিয়াস বাস, যেখানে প্রথম সাতটি রোতে 1x1x1 ফরমেশনে রয়েছে 21টি সিট এবং লাস্টের রোতে রয়েছে চারটি সিট। এছাড়া বাসটিতে দুটি এলইডি টিভি সেট, ফ্রি ওয়াইফাই এবং একটি সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। এই মডেলের সহমোট তিনটি বাস এখন পর্যন্ত তৈরি করেছে পাকিস্তান, যার ভিতরে একটি রেড যা ভিডিওতে তুলে ধরা হয়েছে, একটি ব্লু এবং একটি হোয়াইট কালারের। এই তিনটি বাসে সার্ভিস দিচ্ছে নিউ শানদার নামে একটি বাস কোম্পানি রয়ে। ইস বাস মে ফ্রি ওয়াইফাই অর দো এলইডি টিভি সেটস, জিসমে সে এক একদম ফ্রন্ট মে হ্যায় অর এক একদম বিচ মে হ্যায়। लास्ट रो में भी जो लोग बैठे होंगे उसको टीवी देखने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए ठीक बीच में एक टीवी सेट लगाया है इस बस कंपनी ने, जो इस बात का प्रूफ है कि सर्विस के बारे में ये लोग कितना कंसर्न है। দেশের বাসমেনিং কমিউনিটিতে যারা আছে তারা মনে প্রাণে দোয়া করছে যেন এই শেপটি বাংলাদেশে ভাইরাল না হয়, কারণ হুন্দাই শেপ এবং লাক্সানা শেপ দেখে ইতিমধ্যে আমাদের মন ভরে গেছে। আমাদের মনে আর বুলেট ঢুকানোর মতো কোনো রকমের জায়গা নেই। করাচি থেকে কোয়েটা রুটে সার্ভিস দিচ্ছে এই বাসটি, যেখানে করাচি থেকে কোয়েটার ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে পাকিস্তানি টাকায় 3000 টাকা। করাচি সে কোয়েটা থাক ইয়ে বাস সার্ভিস দে রা হ্যায়, জিসমে করাচি সে কোয়েটা কা টিকিট প্রাইস হ্যায় 3000। এই বাসের স্পেশালিটি এই বাসটির শেপ, ফ্রন্টের শেপটি দেখলেই বোঝা যায় একদম বাতাসের বাধা পেরিয়ে কুত্তার মতো দৌড়ে যাবে এই বাসটি। ইস বাস কা স্পেশালিটি ইস বাস কা শেপ, হাওয়া কো চিরকে ঘোরে কি তারা তেজ ভাগেগা ইয়ে বাস। अब आप ये पूछोगे घोड़े का बांग्ला कब से कुत्ता बन गया, इसकी जवाब में मैं बोलूंगा घोड़ा की बांग्ला घोड़ा ही है, लेकिन एग्जाम्पल पे आप लोग बोलते हैं घोड़े की तरह तेज और हम लोग बोलते हैं कुत्ते की तरह तेज। देखो भाई, अब ये मत कहना कि तोड़ा कुत्ता टॉमी और साड़ा कुत्ता कुत्ता। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, आप इस पे सफर करके आए? जी सर। कहाँ से? क्वेटा से कराची। क्वेटा से कराची,
तो कितने का टिकट था? 3,000। और कैसा रहा सफर? माशाल्लाह, वैसे तो हम आम गाड़ियों में दो सीट बंद करते थे एसओपी के तहत, जैसा कि कोरोना है आजकल, तो इसमें है कि हम 3 साथी हैं, 9,000 दे के सही। एक दोनों से दूर है ना, कोई टेंशन है ना, एसओपी के तहत ठीक है। इसमें कोई माशाल्लाह पूरा रात सो के अभी इंशाल्लाह आधा घंटे में हम लोग पहुँचने वाला है चोरा बोर्ड टर्मिनल। ठीक है, बहुत अच्छा सफर था माशाल्लाह, गाड़ी भी सही आराम दे, हम लोग सो के आए पूरा रात। और इसमें रिफ्रेशमेंट वगैरह भी दी गई आपको? जी सर, जी सर, बिरयानी, ठीक है, और दूसरा पानी मानी, टोटल सिस्टम इसमें। तो कितने घंटे में पहुंचाया आपको इस क्वेटा से? 9 घंटे में हम लोग, 9 घंटे में पहुंचे। आधा घंटा सफर रहता है। अच्छा ठीक है, 9 घंटा लेता है। अच्छा, इसमें सीट है 111 की, तो इसका किस लिए ये बनाई गई है? ये एसओपी दे वजह तो है, लोगों ने कोरोना दा पठाना नु नहीं होता, ठीक, इन्होंने लगा दा पठाना इसमें। मैं कभी बैठा नहीं हूँ, लेकिन गारंटी के साथ बोल सकता हूँ सोने के लिए बहुत ही बढ़िया सीट है। এই সিটে আমি কখনো বসিনি, তবে চোখ বন্ধ করে বলতে পারি ঘুমের জন্য বেশ ভালো এই সিটগুলো। हालांकि जिन बहस की एक छोर पे सिंगल सीट और दूसरी छोर पे डबल सीट होती है उसे हम बिजनेस क्लास बोलते हैं। दूसरी तरफ जिस बसेस की दोनों ही तरफ डबल सीट होती है उसे इकोनॉमिक क्लास बोला जाता है। जैसा कि मैंने सुना है, इंडिया में भी इस शेप की बस तैयार हो रहा है, और बांग्लादेशी बस मैनिंग कम्युनिटी का इस बात से डर है कि ये शेप हमारे देश में ना वायरल हो जाए, क्योंकि पहले ही हम हुंडई शेप को झेल चुके हैं। उससे थोड़ी क्या राहत मिल रही थी, इंडोनेशियन लक्सना बस की तैयार किया स्कैनिया हाईटेक बस की शेप सरदर्द बन गया। तो हमारा यह मानना है कि नॉर्मल शेप ही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, पर यह जो शेप है ये अगर वायरल हो गया तो देश के कोने कोने तक गूंजेगा। सो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल आवर बस ओनर्स, प्लीज डोंट कॉपी दिस शेप। और गैरेज वाले भैया, खुद फेमस होने के चक्कर में देश को बर्बाद मत करो। अबे सालों, कोई अपना शेप तैयार करो। माफ करना, गलती से एक दो बार निकल जाता।